मैं सी एस रीवा मुंद्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास नाइन्थ में एक्सरसाइज 1.5 के एक्सप्लेनेशन की। बड़ी खुशखबरी से मैं बताना चाहती हूँ गाइस, 1.4 एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है, सीधा अपन पढ़ेंगे 1.5। याद रखना, इस वीडियो को जरूर 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 से देखना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके टेंथ में भी काम आएगा, नाइन्थ के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन आता ही है, चाहे किसी भी वे में आए इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है, बड़े भारी शब्द है। लेकिन इसको भी पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ। एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा आपको रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? जब भी रूट आ जाए और मल्टीप्लाई आ जाए तो वो सिंपल क्या हो जाता है, दोनों नंबर रूट में आ जाएंगे। अब रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू कितना हो गया? रूट फोर। और रूट फोर मुझे पता है आंसर क्या देगा, टू। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है, जब एक जो सपोज रूट एन मल्टीप्लाई रूट एन होगा तो आंसर क्या देगा, हमेशा एम देगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर सपोज आपको गिवन है रूट टू मल्टीप्लाई रूट एट, या फिर अपन ले लेते रूट नाइन ले लेते हैं, रूट नाइन, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, रूट टू मल्टीप्लाई नाइन। इसको फर्दर कैसे लिखेंगे, टू मल्टीप्लाई थ्री इंटू थ्री, जब एक पेयर होता है तो बाहर आ जाता है तो आंसर क्या है अपना, थ्री रूट टू। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब सपोज मैंने आपको लिखा रूट टू प्लस रूट थ्री, तो इसका मतलब रूट में टू प्लस थ्री नहीं होता, तुम्हारा आंसर यहीं पर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली रूट टू माइनस रूट थ्री लिखा, इसका मतलब भी अंडर रूट टू माइनस थ्री नहीं होता, यह आंसर तुम्हारा यहीं पे ख़त्म हो गया। रूट टू डिवाइड बाय रूट थ्री, इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट टू अपॉन थ्री, ठीक है। मतलब ये रूल जो काम करता है वो मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में ही वर्क करेगा। अब सपोज मैंने लिखा थ्री रूट टू मल्टीप्लाई टू रूट फाइव, तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो थ्री टू ज़ा कितना हुआ, सिक्स। अब रूट वाले को मल्टीप्लाई करो, टू फाइव ज़ा टेन, तो ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर। सपोज मैंने लिखा थ्री रूट टू मल्टीप्लाई नाइन रूट एटीन, अब कैसे, थ्री मल्टीप्लाई नाइन ट्वेंटी सेवन, अंडर रूट एटीन टू ज़ा थर्टी सिक्स। अब मुझे पता है एक चीज़ बताओ, थर्टी सिक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री लिख सकती हूँ, मतलब 27, एक टू बाहर निकल गया, एक और थ्री बाहर निकल गया, तो आंसर क्या है, 27 टू ज़ा 54, और 54 मल्टीप्लाई थ्री कितना देगा, 162। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब सपोज मैंने लिखा टू रूट टू मल्टीप्लाई रूट एट माइनस वन, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे नॉर्मल ब्रैकेट खोलते, तो ये क्या हो जाएगा, टू, देख भाई टू और यहाँ पे वन है, तो टू अंदर टू, एट टू ज़ा सिक्सटीन, माइनस क्या दे देगा ये, टू रूट टू। अब रूट सिक्सटीन मतलब फोर, मतलब टू मल्टीप्लाई फोर माइनस टू रूट टू, तो आंसर क्या आया, एट माइनस का टू रूट टू। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब सपोज मैंने लिखा रूट फाइव माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री रूट टू प्लस फोर रूट फाइव, इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले रूट फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री रूट टू प्लस फोर रूट फाइव से, माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री रूट टू प्लस फोर रूट फाइव से, सिंपल। ये तो रूट फाइव मल्टीप्लाई थ्री रूट टू, देखो थ्री तो एज इट इज आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, रूट टेन। रूट फाइव मल्टीप्लाई फोर रूट फाइव, तो क्या बच जाएगा, अब देखो गौर से देखो, फोर रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट फाइव आंसर क्या देगा, फाइव। माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स और रूट टू एज इट इज, माइनस फोर टू ज़ा एट और रूट फाइव एज इट इज, तो ये क्या दे देगा अपन को, थ्री रूट टेन प्लस ट्वेंटी माइनस सिक्स रूट टू माइनस एट रूट फाइव, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर, मल्टीप्लाई करना अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों कराया, अब अपन कॉन्सेप्ट करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, अगर क्वेश्चन बोले या नहीं बोले फिर भी अपन को ये एक रूल अप्लाई करना होता है, बिकॉज ये जो होती है मैथमेटिक्स में होती है स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलती है, चाहे तुम्हारा सपोज ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर तुम्हारा कुछ भी नंबर हो, डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? एक रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पहले अपन लेते हैं इजी एग्जांपल से, 1/2√2। गौर से देखो, डिनोमिनेटर मेरा क्या है, इरेशनल। तो रैशनल करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। मुझे बताओ कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएंगे, कट होके 1 दे देंगे, ठीक है। तो 1 × 2√2 2 × 2 = 4 √2 × √2 = 2 तो आंसर क्या आया, 2√2/8 अब 2 × 1 = 2 2 × 4 = 2 तो आंसर क्या है, 2/4। चाहे तुम्हारा न्यूमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल नंबर। तो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कभी भी कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सी भी क्लास हो, अगर तुम्हारा आंसर डिनोमिनेटर में एक इरेशनल आएगा, तो ये इम्प्लाइड है कि तुम्हें उसको रैशनल में कन्वर्ट करके आना है, चाहे वो क्वेश्चन बोले या नहीं बोले, तुम्हें छोड़ के नहीं आना है वहाँ पे, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं इसके थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन पे। ये तो क्या था, बिल्कुल इजी वाला। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास क्वेश्चन है 1/2 √5 − √7। अब यहाँ पर जो है एक ऑपरेशन है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए अपन क्या करेंगे, 2/√5 − √7 ऊपर नीचे, अगर ये साइन माइनस का है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्लस से, और अगर ये साइन प्लस का होता तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते, लेकिन साइन क्या होता, माइनस का। अब सिंपल, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या दे देगा, 2 × √5 + √7। गौर से देखो, हमेशा नीचे एक आइडेंटिटी बनेगी, a माइनस b, a प्लस b। मुझे एक आइडेंटिटी पता है, डैट a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √5 2 − √7 2। तो ऊपर क्या बचा, 2√5 + 2√7/5 − 7, क्योंकि √5 2 मतलब √5 × √5, और √5 × √5 क्या दे देगा, 5 दे देगा। तो अपन 2 वापस से कॉमन ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन माइनस का 2, 2 से 2 कट, तो आंसर क्या आया, −√5 + √7। क्लियर है। अब इसके थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर रहता है। सपोज आपके पास है 3√6 + 4√2/8√5 − √2। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ऊपर कुछ भी उससे मतलब नहीं, नीचे वाले को देखो, तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किससे करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट लगाना सीखो, वरना आंसर तुम लोग गलती कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8√5 − 3√2 से, क्योंकि साइन किसका है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे माइनस से। अब ऊपर ब्रैकेट खोलते, ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, सिखाया था 3√6, तो 8√5 − 3√2 प्लस ये क्या है, 4√2, तो 8√5 − 3√2 और अपॉन a + b a − b, वही a² − b² तो 8√5 2 − 3√2 2। अब गौर से देखो, 3 × 8 = 24, √6 × √5 √30 −3 × 3 = 9 √12 8 × 4 = 32 √10 4 × 3 = 12 √4 अपॉन 8² 8√5 2। तो ये क्या हो जाएगा, 8√5 × 8√5, तो देखो 8 × 8 = 64 √5 × √5 क्या देगा, 5। तो 64 × 5, तो कितना आंसर आ गया अपना, 320 −3√2 × 3√2, तो 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = आपका आ गया 18। तो ये हो जाएगा अपने पास 24√30 माइनस, अच्छा 12 को गौर से देखो, √12 को अपन क्या लिख सकते हैं, √2 × 2 × 3, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 2 बाहर निकल गया, 9 × 2 = 18 √3 प्लस 32 √10 एज इट इज, और √4 मतलब 2 माइनस का 24, ये आ गया 320 में से अगर 18 गया तो कितना बचा, 302 320 में से 18 गया तो 302। अब इन सब में से गौर से देखो, सबकी टेबल में कुछ कॉमन आ रहा है, ये सब सब नंबर्स आ रहे हैं 2 की टेबल में आते हैं,
देखती हूँ कि हाँ टू कॉमन निकालते तो अंदर का बच जाएगा 12√30 माइनस 9√3 प्लस 16√10 माइनस का 12 अपॉन 302 अब 2 1s are 2, 2 1s are 2, 5s are 2, 1s are तो फाइनली आंसर क्या है 12√30 माइनस 9√3 प्लस 16√10 माइनस 12 अपॉन 151। ये अपन ने सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन करा है इसके अंदर। इससे बड़े लेवल का क्वेश्चन जो है वो बहुत रेयर केस में आएगा, जो कि आरडी में थोड़े बहुत दे रखे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अपन अपना फोकस है एनसीईआरटी कंप्लीट करने का। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आप एक्सरसाइज 1.5 तो ऐसे कर दोगे, बिल्कुल ऐसे, कोई बहुत ही ईजी है उसमें तो ठीक है। टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को शेयर करो, उसको सब्सक्राइब करो, एंड बाय बाय गाइस, हैव अ स्माइलिंग डे।